न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो कोरोना काल के जितने बिजली के बिल है वो भी हम आपको नहीं भरवाना, मामा भरवाएगा। और अब तो फसलों के रेट भी अच्छे मिल रहे हैं, दाम भी अच्छे हैं। और सरकारी कर्मचारी बहनों और भाइयों, इकट्ठा 11% महंगाई भत्ता दे दिया, 6,400 करोड़ रुपए लगेंगे, ऐसे नीति आई। और सेल्फ हेल्प ग्रुप की समूह की मेरी बहनों, तुम्हें भी लगातार आगे बढ़ते जाना है, कोई को आप गरीब नहीं रहना, मेहनत करके आगे बढ़ना है। आज तो आप सबको भगवान जी की शुभकामनाएं। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब आया था, तो प्रेम सिंह जी पटेल ने एक टूटा पुल दिखाया था, ये पास का था ना, 13 करोड़ रुपया मंजूर हो गए, बढ़िया शानदार पुल बनेगा। और आज पार्टी में आया हूँ, सरपंच भी आए, सरपंच भी यहाँ पे है, मंत्री जी भी है और हमारे सांसद का गढ़ भी है। पार्टी में घाट के निर्माण के लिए 60 लाख रुपया दिए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट के लिए 80 लाख रुपया, नए बस स्टैंड के लिए 40 लाख रुपया और पुलिया निर्माण के लिए अम्मा फालिया में तालाब के पास 18 लाख रुपया दिए जाएंगे। और ये नदी अपने कौन सा नाम है, गोई नदी। अब ये देखो भैया, हमने तय किया है पार्टी की लिफ्ट इरिगेशन योजना से तो पानी आ गई, लेकिन ये गोई नदी में स्टॉप डैम बैराज बना के पानी रोका जाएगा, ताकि आपके खातों में, आपके किसान के खेतों में पानी पहुंचा दिया जाए। उसका भी मैंने पटेल साहब ने बताया, हमने ऊपर से देखा, उसका भी हम फैसला कर रहे हैं। और मेरी बहनों, क्योंकि आज यहां बहने ज्यादा है मंच पे, और मेरी बहनों,